आज एक अच्छा खबर आप लोगों के लिए है। 2 जुलाई को जब हम लोग यहीं बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप लोगों से वादा किए थे कि जो हम जो शेयर किए थे 12 टॉप 12 टेररिस्ट का जो मोस्ट वांटेड था, जिसको हमारे एक मीडिया कलीग ने डर्टी डोजन नाम से लिखा और बड़ा फेमस हो गया कोर्ट ये, तो उसमें से अभी तक 2 टॉप 12 में से मारे गए। एक उस्मान एलईटी का कमांडर था सोपुर के रिसेंटली इनकाउंटर में, एक आज सुबह मारा गया वलीद भाई जो जेएस का टॉप कमांडर है। कल रात में कुलगाम पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि चिम्मर विलेज में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। कुलगाम पुलिस, आर्मी और सीआरपी ने कॉर्डन डाला और आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। 2 का अभी तक पहचान नहीं हुआ है, एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जैश का कमांडर वलीद भाई, पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारे कॉर्डन से इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। रिसेंटली जो इनकाउंटर में भाग गया था उसमें ऐसा पीका गन जो मशीन गन था मिला था हम लोगों को, ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और ये इसके मारे जाने से पुलिस में सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी खुशी जाहिर किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग जारी रखेंगे। बाकी टॉप 12 में जो 10 टेररिस्ट बच गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को नाम शेयर कर दिए थे, उसमें टॉप हमारे निगाह पर भी है जो यहाँ पर का जो सज्जाद है, जिसको कि हम लोग हैदर भी कहते हैं, क्योंकि रिसेंटली 14 को हैदर ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें खुलेआम पुलिस फैमिलीज को, पुलिस वाले को और जो बीजेपी के एक्टिविस्ट वर्कर थे उसको थ्रेटनिंग किया था। उसके नेक्स्ट डे एक हमारे वर्कर को किडनैप किया और उसके बाद उसको रेस्क्यू कराया गया। हमारे बहुत सारे मीडिया कर्मी को, फ्रेंड्स को कुछ इसमें कन्फ्यूजन था, ये मिलिटेंट का हैंडीवर्क था, मिलिटेंट ने किया था, इसमें कोई नहीं है। और मिलिटेंट क्यों करता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह से मिलिटेंट को बहुत इंस्टिगेट किया जाता है कि कोई यहाँ वायलेंस करे, लोगों में टेरर फैलाए या आतंक फैलाए, लोगों में डर फैलाए। इसमें जो हमारे चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे हमारे पुलिस कर्मी हो, जो हमारे स्टाफ पुलिस पर्सनल है, वो सॉफ्ट टारगेट होता है हरदम, क्योंकि उसको रात में घर जाना होता है। जब घर जाते हैं तो उसके साथ कोई हथियार नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, ये मोस्ट वल्नरेबल एस्पेक्ट है। हम लोग एरिया को भी डोमिनेट कर रहे हैं और इस टाइप जितने भी टेररिस्ट जो हम लोग को थ्रेटनिंग कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज भी करते जाएंगे। और मैं मिलिटेंट्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो ऑडियो में कहा था कि पुलिस मिलिटेंट्स की फैमिली को परेशान कर रहा है, ये टोटली गलत है। सिर्फ हम लोग मिलिटेंट्स के एक फैमिली मेंबर को, एक के जो मिलिटेंट मारे गए उनके मदर को अरेस्ट किए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। उस सबूत के कारण ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल देने से मना किया है। ये फुल प्रूफ है, इसमें एविडेंस काफ़ी है। हम लोग किसी मिलिटेंट की फैमिली को तंग नहीं करते, ये गलत एलिगेशन है। इनफैक्ट मिलिटेंट्स हमारे निहत्ते पुलिस वाले को, सिविलियन को टारगेट करते हैं। जैसे कि फौजी भाई के मरने के बाद 2 टेररिस्ट था जो कि आईडी एक्सपर्ट था, खास के पाकिस्तानी, उसमें अदनान है जिसको लंबू बोलते हैं, दूसरा था वलीद भाई। वलीद भाई मारे जाने से नेशनल हाईवे खास करके काजीगुंड कुलगाम एरिया और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट सोपियन में कुछ सिक्योरिटी का एहसास होगा, लेकिन जब तक लंबू है जो पाकिस्तानी अदनान भी बोलते हैं, जब तक अदनान ही मारा जाएगा तब तक आईडी का थ्रेट बना रहेगा। ऑब्वियसली अभी भी नॉर्थ कश्मीर में जो टॉप कमांडर है उसमें उस्मान के मारे जाने के बाद अभी जो जिसको सज्जाद या इलियास हैदर बोलते हैं, एलईटी के कमांडर है, क्योंकि लोकल मिलिटेंट है और उसको पूरा नेटवर्क का पूरा पता है, तो किसी को टारगेट करने में या सॉफ्ट टारगेट उसको पूरा पता है। उसके बाद नसरुद्दीन जो है एलईटी के कमांडर है सोपुर का, अगेन जो कि सीआरपीएफ के 2 इंसिडेंट में जिसमें हमारे 3-3-6 जवान शहीद हुए हैं उसमें इन्वॉल्व है, वो भी हमारे टारगेट पर है। और आप लोगों को पिछले पीसी में नाम भी लिखा दिए थे और अखबार में आ गया टॉप 12 का, अभी उसमें 10 बच गया है, काइंडली उसको कंसल्ट करें, रिविजिट करें। और जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप देखे होंगे कि पिछले कुछ वीक्स में सोपुर में ही 2 इनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 मारा गया, फिर 3 मारा गया, 6 मिलते मारे गए वहाँ पर सोपुर एरिया में। हम लोग इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे वहाँ, चूंकि नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट का नंबर बहुत कम है और एरिया बहुत वास्ट है, उतना सिक्योरिटी फोर्स का वहाँ पर तादाद नहीं जितना कि साउथ कश्मीर में। सिक्योरिटी फोर्स का ग्रिड जो है, जो हम लोग कहते हैं आईएस ग्रिड बोलते हैं,
सीआई ग्रिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है साउथ कश्मीर में, हर एक 4-5 किलोमीटर एक कैंप हमारे हैं, तो मिलिटेंट को इंसर्कल करना घेरना ये होता है। नॉर्थ कश्मीर में कैंप्स हमारे दूर दूर हैं, जब हमारे फोर्स का मूवमेंट होता है तो मिलिटेंट को पता चल जाता है या उनका कोई ओजीडब्ल्यू है उसको इन्फॉर्म करता है, लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा फोकस जारी है। आने वाले दिन में हम लोग और करेंगे, उसमें एक M4 कार्बाइन जो US मेड है मिला है, जब किसी मिलिटेंट के साथ M4 मिले तो समझिए बहुत बड़ा कमांडर होता है। उसके साथ एक AK-47 मिला है, एक पिस्टल मिला है, एक यूजल लॉन्चर मिला है, बहुत सारे।